इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूँ। विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है। स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। ए विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है। उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ अपनी सेना के साथ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित कह रहा हूँ, उचित कह रहा हूँ, साथ है हमारे साथ है। हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानर वीर योद्धा भयभीत हो उठे थे, परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। Ah!
वानर, मैं अभी तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूँ। राक्षस ने दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? ये ले। सुग्रीव को ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। क्या है मुझे महाराज सुग्रीव की हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। महाराज सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा। सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर, मारो, वार करो इस दुष्ट पर। नेहरू पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। लटो वानर, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चींटियों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं। हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। जय श्री राम। दुष्ट वानरो, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात। तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये राक्षस तो उन्हें खा जाएगा। वो राक्षस हमारे युवराज अंगद और नील को निकल गया। हम मेरे उधर में आराम से रहना तुम दोनों।
भैया आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निगला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं, ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण, लाओ लाओ। आओ वानरो, शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदय, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो भागो भागो, प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप उसका पुरस्कार भी ले लो। जिन्हें तुमने उदरस्थ किया है उन्हें जीवित बचाऊंगा मैं। राम भक्त हनुमान हूं मैं, नहीं टिक सकोगे मेरे समक्ष तुम। छोड़ मेरा हाथ वानर, छोड़ मेरा हाथ। भोजन बनाने का परिणाम तो झेला तुमने, अब उसके हाथ का वार भी झेलो। प्रतीत होता है आज तो हमारे प्राण गए। बहुत अच्छा वानर, आज कितने वर्षों के पश्चात अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिला है मुझे। अब देख हनुमान कि मैं तुझे किस प्रकार धूल चटाता हूँ। <नुँ। laughs>
भी हूँ, क्योंकि तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की पराजय के बाद जग को ज्ञात हो जाएगा कि अधर्म कितने भी विशाल पर्वत के पीछे क्यों न छिप जाए, धर्म की आंधी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। पराक्रम का परिणाम है उनकी आधी सेना को मसल दिया होगा। मुझे विश्वास है आज एक भी वानर जीवित नहीं रहेगा। अधर्म की शक्ति कितनी ही विकराल क्यों ना हो, रावण के पास कितने ही महायोद्धा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के शक्ति स्वरूप हनुमान हमारे साथ है, इसलिए हमारी पराजय कभी नहीं हो सकती। प्रातः कुंभकर्ण का इतने पराक्रमी योद्धा से पहली बार सामना हुआ है, एक भी वानर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे वो। इन दोनों का तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा, हमें किसी भी प्रकार भ्राता कुंभकर्ण को लंकेश का आदेश स्मरण करवाना होगा। घातक कुंभकर्ण, क्यों उस मूर्ख वानर पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? उठाइए वानर राज सुग्रीव को और ले चलिए लंकेश के पास। उचित कह रहे हो तुम महापार्ष। मुझे छोड़ो हनुमान, अपने इन वीरों की रक्षा करो। तुम अपने वानरी योद्धाओं को बचाओ ताकि मैं वानर राज सुग्रीव तक पहुंच सकूं। अच्छा, तो इस कुंभकर्ण की योजना मुझे इस प्रकार से उलझा कर महाराज सुग्रीव तक पहुंचने की थी, मुझे किसी भी प्रकार से इसे रोकना होगा। प्रभु, हनुमान को दूर भेजना भ्राता कुंभकर्ण की चाल थी, उनका वास्तविक लक्ष्य तो महाराज सुग्रीव हैं।
मैंने इस राक्षस को अधर्म का मार्ग छोड़ने का पर्याप्त समय दिया, परंतु अब इस राक्षस को अधर्म करने से रोकने का समय आ गया। ये कुंभकर्ण तो युद्ध भूमि से अपनी पीठ दिखाकर जा रहा है। प्रभु आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप अपना बाण चलाइए, अन्यथा कहीं अनर्थ ना हो जाए। प्रभु नहीं महाराज विभीषण, पीठ पर वार करना क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति दोनों के विरुद्ध है। संभवतः कुंभकर्ण का काल उसे अधर्म का तचकर धर्म के मार्ग पर आने का एक और अवसर देना चाहता है। श्री राम जी ने तो कुंभकर्ण पर बाण ही नहीं चलाया, वो राक्षस हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। ये तो अनर्थ हो गया, हम उस महाविकराल राक्षस को कैसे रोके अब? उचित नहीं हुआ प्रभु, पाता कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव के अपहरण से अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वानर सेना पर। वो हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। संकट मोचन महाबली हनुमान भी नहीं है जो उन्हें संकट से बचा सके। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद। कर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव को छल से ले जाने पर सभी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। आप सब लोग इतने निरुत्साहित क्यों हैं? क्या हुआ? महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। मुझे ज्ञात था मेरा महाशक्तिशाली भ्राता ये कार्य कर सकता है। अब मैं इस वानर राज के शव को लंका के द्वार पर लटकवा कर इस वानर सेना का मनोबल तोड़ दूंगा और उस वनवासी को अकेला छोड़कर इन्हें लौटने पर बाध्य कर दूंगा मैं। उसके पश्चात वो वनवासी स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगा। महाराज सुग्रीव का अपहरण? ज्ञात नहीं दुष्ट रावण ने लंका में महाराज सुग्रीव के साथ कैसा व्यवहार किया हो। मांगो कुंभकर्ण। वचन देता हूं मैं कुंभकर्ण, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो तुमने किया है कुंभकर्ण। भ्राता श्री, ये वानर भी बहुत विचित्र प्राणी है। इनके साथ क्रीड़ा करने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं तो केवल इस वानर को मूर्छा से जागृत कर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे समक्ष किस प्रकार नृत्य करेगा। कल सूर्य उदित होते ही इस वानर का मैं वध करके इसको लंका के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा।
उसके उपरांत आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिएगा भ्राता श्री, और मैं भी अपनी अधूरी निद्रा को पूर्ण कर लूंगा। क्रीड़ा यंत्रणा जो चाहे वो करो भ्राता, परंतु सावधान रहना, उस वनवासी का कोई योद्धा इसे मुक्त कराने के अभिप्राय से यहां आ सकता है। मेरे वीर योद्धाओं, महाराज सुग्रीव की आप तनिक भी चिंता ना करें। आज शत्रु ने युद्ध स्थल में महाराज सुग्रीव का वध करने की चेष्टा नहीं की, इसलिए इसका अर्थ है वो जो करेगा कल प्रातः ही करेगा। मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें लंका से मुक्त कराने के लिए। लंका से मुक्त कराने के लिए। अभी आपके कुंभकर्ण के उदर में बहुत ही रिक्त स्थान है, और यदि किसी ने आने का दुस्साहस कर भी लिया तो आपके भ्राता कुंभकर्ण के लिए तो वो मात्र भोज ही है ना। प्रभु, मेरे होते हुए आपको ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा वहां। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। प्रभु, मैं तो पूर्व में भी लंका जाकर सुरक्षित लौट चुका हूं। अपने इस सेवक पर विश्वास कीजिए। कृपया मुझे महाराज सुग्रीव को लेकर आने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अंगद, आप युवराज हैं, महाराज की अनुपस्थिति में वानर सेना को नियंत्रित रखने का दायित्व अब आपका है, इसीलिए आपका मेरे साथ चलना अनुचित होगा। अनुचित होगा ना प्रभु? हाँ हनुमान, कुंभकर्ण ने प्रमाणित कर दिया है कि वो पूर्णतः अधर्म के साथ है, इसलिए उसका अंत समीप है। आप चिंतित मत होइए भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए और मुझे भी यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखोगे। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, मेरा आदेश स्मरण रखना, महाराज सुग्रीव को मुक्त कराकर अविलंब लौट कराना। प्रभु की आज्ञा का अक्षरश पालन करेगा हनुमान। प्रणाम प्रभु। समस्त प्रहरी, द्वारपाल, लंका के रक्ष सैनिकों, सुनो महाराज लंकेश का आदेश। सावधान रहना, शत्रुओं की ओर से सुग्रीव को मुक्त कराने के लिए कोई लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है। वानर राज सुग्रीव, आप मूर्छा से जागृत हो गए या थोड़ा और जल डालूं आप पर? असुर, तुझसे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अभी लूंगा। मुझे बांध रखा इस राक्षस ने अपनी माया से। हा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 ह
वानर राज, अब तक तो आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि आप एक वन्य जीव हैं, और एक वन्य जीव को वश में रखने हेतु उसे बांध कर रखना पड़ता है। असुर! वानर राज, क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति गवा रहे हो? तुम तो वानर के अनुरूप हो ना, तो नृत्य करो, मनोरंजन करो मेरा। मेरे पालतू वानर को क्रोध आ रहा है। परंतु तुम्हारे इस प्रकार यो गुलाटियां मारने से मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट रावण ने न जाने कहां बंदी बनाकर रखा होगा महाराज सुग्रीव को। जब तक वो वानर सुग्रीव राजकुमार कुंभकर्ण जी के कक्ष में है, मैं वहाँ एक मक्खी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरा कुंभकर्ण के कक्ष पर आना उचित ही था। हम दोनों को भी अत्यधिक सतर्क रहना होगा। सतर्क रहकर भी हनुमान को भीतर जाने से नहीं रोक सकोगे। इनको इस प्रकार अपने मार्ग से हटाना प्रभु के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा? कदापि नहीं। प्रभु ने ही तो मुझे यहाँ से महाराज सुग्रीव को ले जाने का आदेश दिया है, और उसमें आने वाले अवरोधों को तो हटाना ही होगा। बहुत राम 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 कर रहे थे वो वानर, अब देखता हूँ कौन राम आकर यहाँ से सुग्रीव को बचा ले जाता है। वनवासी राम को तो अक्षम कर दिया था हमारे राजकुमार कुंभकर्ण जी ने। द्वेष भाव से ही सही, परंतु बार बार प्रभु राम का नाम ले रहे हैं ये। जिसके जिह्वा पर प्रभु राम का नाम हो उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? राम की पराजय तो निश्चित है। एक वनवासी चला था लंकेश रावण को पराजित करने, राम का नाम लेकर तो हम उस पर उपकार कर रहे हैं। प्रभु का इतना अपमान नहीं सह सकता हनुमान। मैं तुम दोनों को प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। मेरे पालतू वानर, अब कुछ अच्छा सा करतब दिखाकर मेरा मनोरंजन करो, और भूल जाओ ये कि तुम्हें बचाने हेतु यहाँ कोई आने वाला है। करो। लगी, परंतु मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और। बच गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। यहाँ भी प्रभु की मर्यादा आज्ञा से बंधा है हनुमान, अन्यथा इस शत्रु का अंत युद्ध भूमि से पूर्व यहीं इसके कक्ष में कर देता हनुमान। वानर को ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए
कि वो एक योद्धा है। परंतु कोई बात नहीं, अब तुम मेरे समक्ष कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाओ कि मुझे ये आभास हो जाए कि तुम वानरों में सर्वश्रेष्ठ हो। आनंदित हो जाए ये कुंभकर्ण। अरे नहीं वानर, अपने स्वामी से इस प्रकार व्यवहार नहीं करते, नहीं तो स्वामी तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। और यदि मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया ना, तो वो तुम्हारा वनवासी है ना राम, वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राम। ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहा है ये, जैसे महाराज सुग्रीव इसके पालतू जीव हों। मैं एक कार्य करता हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता हूँ। जाओ हनुमान और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखो। जय श्री राम। हनुमान, महाराज सुग्रीव, जय श्री राम। कहाँ छिप गया ये? कहाँ चला गया ये वानर? कहाँ चला गया ये धूर्त वानर? प्रभु की कृपा से उसने हमें नहीं देखा। महाराज सुग्रीव, हमें शीघ्रता से यहां से निकल जाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, कब तक छिपेगा तू? नहीं महाराज सुग्रीव, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। हनुमान, बच नहीं सकेगा तू। इसे हम कल के युद्ध में दंडित करेंगे। अभी आप चलिए यहां से।